हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और फिर से एक और दिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे और आपको एक और दिन दिया। और परमेश्वर का सच में लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। ये जो मेरी आँख पे, ये जो आप पुंसी से देख रहे हैं ना, ये पुंसी नहीं है, ये एक गांठ है जो पिछले मतलब 3 साल पहले भी एक बहुत मोटी सी हो गई थी। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे इसको मतलब ऑपरेट ही कराना पड़ेगा, लेकिन शुगर की वजह से मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया, हाई चल रही थी। तो फिर मैंने बस दुआ ही करी और दुआ 2 साल तक वो रही, बहुत मोटी थी, 2 साल तक रही। फिर उसके बाद में पिछले लॉकडाउन में वो चली गई, फिर जनवरी में ये फिर से एक और आ गई। ये भी काफ़ी बड़ी थी दोस्तों, लेकिन अभी बहुत छोटी हो गई है और मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि ये प्रार्थना से ही चली जाए। और इसमें मेरे को कोई पेन वगैरह नहीं है, लेकिन बस मैं प्रार्थना ही कर रही हूँ। प्रार्थना से ही मेरी काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हुई है, तो मैं प्रार्थना पे ही विश्वास रखती हूँ। और आपके पास भी कोई अगर प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे सेंड करिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आप विश्वास रखते हैं तो ज़रूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आज एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि आप मेरी फैमिली हैं तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, हम अगर आम का बीज बोते हैं तो आम ही उगता है, और अमरूद का बोते हैं तो अमरूद ही उगता है। तो ऐसे ही जो कुछ भी बीज हम बोते हैं तो उसी का ही फल आता है, उसी का ही पेड़ उगता है, उसी का ही फूल उगता है। तो हमारी लाइफ के अंदर भी हम वो ही बोएं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो अच्छी बातों को बोए, है ना। और मतलब जो बोएंगे वही काटेंगे, तो ये कहावत भी है, मुहावरा है कि कहावत मुझे नहीं पता, लेकिन जो बोते हैं हम वही काटते हैं। तो लोगों के लिए ब्लेसिंग्स को बोएं, अगर वो आपके दुश्मन भी हैं या आपके लिए बुरा भी बोलते हैं या नहीं भी बोलते हैं, वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आप उनके विषय में बहुत सारी बातों को बोलते हैं, सोचते हैं रात दिन उनके बारे में, तो गाइज मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा बोएं, है ना। वो कुछ भी करते हों, बोलते हों, चाहे वो आपके परिवार के हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, है ना, तो वो कुछ भी बोलते हों तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अच्छा करिए, उनके लिए अच्छा सोचिए, उनको ब्लेसिंग दीजिए। जो आप देंगे वही रिटर्न होके आपके पास आएगा, आपके परिवार में आएगा, आपके ऊपर आएगा। तो मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है और मैंने हमेशा जब से ये सीखा है तो मैं हर किसी को ब्लेसिंग ही देती हूँ, तो वो लौट के मेरे पास आता है। आज मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं बहुत समय बाद में अपने हस्बैंड के साथ गई और राशन लेके आई, बहुत समय बाद में। थोड़ा छोटा छोटा सामान हम लोग 4-5 साल से ला रहे हैं, लेकिन 4-5 साल बाद मैं राशन लेके आई, फुल राशन। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मतलब मैं खुश हूँ उसमें भी, क्यों जब मेरे पास नहीं था तब भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं मेरे किचन के डब्बे चाहे खाली हूँ लेकिन परमेश्वर मेरे पेट को हमेशा भर के रखता है, कितनी अच्छी बात है। और तीनों टाइम उसने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया, इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया, मुझे ही नहीं मेरे परिवार को भी। मैं परमेश्वर को बहुत आदर महिमा देती हूँ अपने जीवन से। दोस्तों दुखी मत होइए कि आपके घर में कुछ नहीं है, कोई कमी है, कोई घटी है, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। जब उसने आपको इस दुनिया में भेजा है तो वो आपकी हर एक ज़रूरतों को भी पूरी करेगा समय के अनुसार, और करता आया है। तो उन बातों को याद करके उसे हमेशा धन्यवाद देते रहिए। और मेरी ज़ुबान बहुत काली है, मेरी मम्मी कहती थी कि तो है ना गलत मत बोला कर, पूरी काली है, पूरी काली, मैं आपको दिखा नहीं सकती, पूरी काली है। और मम्मी कहती थी कि तू अपने ज़ुबान से है ना, अपने मुंह से कुछ गलत मत बोला कर, किसी के लिए हो जाएगा, पता नहीं, मैं तो इस बात पे विश्वास नहीं करती, लेकिन हाँ मैं अच्छा बोलती हूँ सबके लिए और सीखा है मैंने ये, इसलिए आपको भी बता रही हूँ।
और मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि आप मेरा वीडियो वॉच करते हैं, और थैंक यू। अभी इस समय मैं छत पर बैठी हूँ, मेरी बेटी अंदर ट्यूशन पढ़ा रही है, मेरे हस्बैंड के कहीं किसी घर पे प्रेयर के लिए गए हुए हैं, और खाना मैं बना चुकी हूँ। खाना वाना तो क्या दिखाऊँ आप लोगों को, भी खाना वाना तो बनाना आता ही है, वो क्या दिखाऊँ मैं। अभी थोड़ी सी छोटी सी बात आपसे शेयर, शायद आपको इससे आशीष मिले, कुछ सीखने को मिले, तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इससे। तो याद रखिए गाइस कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे, इसलिए लोगों के लिए ब्लेसिंग्स को बोए, चाहे वो आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो भी मुश्किल होता है, लेकिन है ना, फिर भी कोशिश करिए, और जब ये कोशिश आप करते रहेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। तो मैं आपको यही सजेशन देती हूँ, अगर आप मेरी बात को मानते हैं तो प्लीज़ गाइस लोगों के लिए अच्छा बोइए, ताकि वो आपको रिटर्न में अच्छा मिले। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।